श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सौ आठ दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्तगुरु चतुर्नामवपुवेक तिनके पद वंदन किए नाशही विघन अनेक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु प्रेमानंदे Peace।
यमदीतिया है उत्सव पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फल स्वरूप 108 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा पूर्णाहुति महोत्सव मनाने का श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 108 दिवसीय भक्तमाल जी भी पूर्ण हुई और अब उन 108 दिवसीय सत्संग का पूर्णाहुति महोत्सव का भी छठा दिवस है और उसमें आज यमदित्या भैया दूज का पावन पर्व है। तो प्रथम यहाँ पर विराजमान और YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे समस्त भक्तजनों को भैया दूज महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई है, मंगल कामना है। आज के दिन की बड़ी महिमा है और सनातन धर्म में दीपावली का महोत्सव 5 दिन माना जाता है। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक 5 दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो उस दीपावली पर्व का भी आज 5वां दिवस है। भैया दूज भाई बहन की आराधना का
उनके पवित्र संबंध का दिन तो है ही, यमुना जी की आराधना का दिन है। हम लोग यमुना जी की प्राकट्य कथा में श्रवण करेंगे कि आज के ही दिन यमुना जी ने अपने भाई धर्मराज यमराज जी को तिलक किया है और यमराज धर्मराज जिनके दोनों नाम हैं, धर्मात्माओं के लिए वो धर्मराज हैं और अधर्मियों के लिए वही यमराज हैं। व्यक्तित्व एक ही हैं, नाम दो हैं। तो आज के दिन ही यमुना जी ने श्री मथुरा विश्राम घाट पर धर्मराज यमराज को तिलक किया और बदले में अपनी प्यारी बहन यमुना जी को यमराज ने यह वर प्रदान किया, वचन दिया कि आज जो आपकी आराधना करेगा, प्रणाम करेगा, स्नान करेगा, उसको मेरी यातना माने यम की यातना, नरक की यातना कभी भी नहीं भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए भैया दूज नाम तो बाद का है, आज का नाम उत्सव का यम द्वितीया है, यमुना द्वितीया या यम द्वितीया। तो ऐसा पर्व यमुना जी के यशगान का दिन है, तो श्री यमुना जी का यशगान करें। और आज यमुना जी पर भी मनोरथ है, पहले श्री गौर कृपाधाम आश्रम में यमुना जी का यशगान, श्री ठाकुर जी का तिलक मनोरथ और फिर यहाँ उत्सव करने के पश्चात श्री यमुना जी पर जाकर यमुना जी का मनोरथ होगा, श्री यमुना जी की सेवा, श्री यमुना जी का पूजन, दीपदान, चुनरी मनोरथ, छप्पन भोग अर्पण, यह सब यमुना तट पर संपन्न होगा। अभी प्रारंभ करें श्री यमुना अष्टक के पाठ से। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने बहुत सुंदर 8 श्लोकों में श्री यमुना जी की स्तुति की है, जिसको श्री यमुनाष्टक कहा जाता है। तो उस यमुनाष्टक का प्रथम पाठ कर लें और फिर यमुना जी के यशगान में प्रवृत्त हों। पहले आचार्यों की वाणी के द्वारा यमुना जी को प्रणाम कर लें और फिर अपने भाव यमुना जी के चरणों में समर्पित करें। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज ईश्वरत मंदरेणोत्कटा तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुर पूजित ईश्मर पितुः श्रियं बिभ्रति सुरासुर पूजित ईश्मर पितुः श्रियं
बिभ्रतिमा कलिंदगिरिमस्तकं पतदमन्दपुरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलतमा मुकुन्दरतिवरधनी जयति पद्मबन्धोसुता मुकुन्दरतिवरधिनी जयति पदम बंदो सुता भुवम भुवन पावनी मधिगताम निकस्वनहि प्रियाभिरिव सेविता शुकमयूर हंसादिभिः तरंगभुजकंकण प्रकटमुक्तिकाबालुका नितंबतटसुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रिया नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रिया अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय यया चरण पद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका यया चरण पद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका समागमन तो भवत् सकल सिद्धिदा सेवता तया सदृशत्मिया कमलजास्पतनीवय हरि प्रिय कलिंदया मनसि मे सदा स्थियता हरि प्रिय कलिंदया मनसि मे सदा स्थियता नमोस्तु यमुने
सदा तव चरित्र मत्यद्भुतम् न जातु यम यातना भवति ते पयः पानतः यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तवा हरिर्यथा गोपिकाः प्रियो भवति सेवनात् तवा हरिर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमा रतिरमुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं संगमा तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजास्पत्नी प्रिये हरिर्यदनु सेवया भवति सौख्य मामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगमः ईश्मर श्रम जलाणुभिः सकल गात्र जैः संगमः ईश्मर श्रम जलाणुभिः सकल गात्र जैः संगमा तवाष्टकमिदं मुदा पठति सुरसुते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्देरतीः तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवे वदति वल्लभ श्रीहरि स्वभावविजयो भवे वदति वल्लभ श्रीहरि इति श्रीमद् वल्लभाचार्य कृतम् श्री यमुनाष्टकम् संपूर्णम्। श्री यमुनाष्टक हिंदी भावार्थ। वे श्री यमुना जी जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण कमल की तेजस्वी
पर तीव्र रेणु को रज को धारण करने वाली अपने तट पर स्थित नवीन वन के विकसित तथा सुगंधित पुष्पों के जल द्वारा सुर और असुर अर्थात दैन्य भाव वाले भक्त और मान भाव वाले भक्तों के द्वारा पूजी गई स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के समान ही शोभा को अर्थात वर्ण को धारण करने वाली श्री यमुना जी को मैं नमस्कार करता हूँ। द्वितीय श्लोक भावार्थ। प्रभु के हृदय से प्रकट होकर कलिंद पर्वत के मस्तक पर शिखर पर गिरते हुए प्रवाहों से उज्जवल विलास सहित चलने से उल्लसित उत्तम शिलाओं से उन्नत ध्वनि करते हुए चलते हुए ऊंची नीची होती हुई मानो उत्तम झूले में विराजमान हो श्री कृष्ण श्याम सुंदर में प्रेम को बढ़ाने वाली सूर्य पुत्री श्री यमुना जी की जय हो। तृतीय श्लोक भावार्थ। सारे भूमंडल को पवित्र करने वाली धरती पर आने पर प्रिय सखियों द्वारा सेवा किए जाने के समान तोता मोर हंस आदि की मधुर ध्वनि से सेवित तरंग रूपी हाथों के कंगनों में मोती के चमकने की भांति बालुका से युक्त नितंब रूपी तटों वाली सुंदर दिखने वाली श्री कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी को हमारा नमस्कार है अर्थात कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी को सब नमस्कार करिए। चतुर्थ श्लोक व्याख्या। अनंत गुणों से विभूषित शिव ब्रह्मा आदि देवों द्वारा आराधित सदैव गंभीर बादलों के समूह की भांति दैदीप्यवती ध्रुव और पाराशर को अभिष्ट मन चाहा वर देने वाली अतिशुद्ध मथुरा नगरी के तट पर स्थित सारे गोप गोपियों से घिरी हुई कृपा सिंधु श्याम सुंदर श्री कृष्ण के आश्रय में रहने वाली श्री यमुना जी मेरे मन को सुख प्रदान कीजिए आनंद प्रदान कीजिए। पंचम श्लोक भावार्थ। श्याम सुंदर के चरण कमल से प्रकट हुई श्री गंगा जी जिन यमुना जी के साथ समागम करने पर ही मिलने से भगवान को प्रिय हुई और सारी सिद्धि देने वाली हुई उन श्री यमुना जी की सदृशता समानता केवल श्री लक्ष्मी जी से ही हो सकती है ऐसी हरि प्रिया श्री यमुना जी सदैव मेरे मन में निवास करें। षष्ठम श्लोक भावार्थ। श्री यमुना जी को सदैव नमस्कार है। आपका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। आपके जल को पीने से कभी यमराज की यातना नहीं होती क्योंकि यमराज अपनी बहन के पुत्रों को कैसे मार सकते हैं चाहे वे दुष्ट ही क्यों न हों। जिस प्रकार आपकी सेवा करने से गोपियां
श्याम सुंदर की अत्यंत प्रिय हुई, उसी प्रकार सभी प्राणी आपकी सेवा कर श्री कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। सप्तम श्लोक भावार्थ। हे श्री कृष्ण प्रिया यमुना जी, आपके सानिध्य में हमारा शरीर नया हो, केवल इतने से श्याम सुंदर में प्रीति दुर्लभ नहीं रह जाती, अर्थात अत्यंत सुगम हो जाती है। आपके साथ संगम करने से गंगा जी की इस धरा पर कीर्ति फैली है, अन्यथा जो आपके चरणाश्रित वैष्णवगण हैं वे अकेले गंगा जी की आराधना नहीं करते, वे गंगा जी के साथ आपकी आराधना करते हैं। अष्टम श्लोक भावार्थ। हे श्री हरि प्रिया यमुना जी, आपकी स्तुति कौन कर सकता है, अर्थात कोई आपकी स्तुति नहीं कर सकता। श्री हरि के बाद श्री लक्ष्मी जी की सेवा करने से मोक्ष प्राप्ति तक सुख मिलता है। आपकी महिमा तो इससे भी अधिक है, क्योंकि आपकी सेवा से सभी गोपियों के समागम से श्री अंगों से प्रकट हुए स्मर श्रम से उत्पन्न जल बिंदुओं से समागम होता है। नवम श्लोक व्याख्या। हे सूर्य पुत्री श्री यमुना जी, आपका यह यमुनाष्टक, इन यमुनाष्टक का जो प्रसन्न मन से सदैव पाठ करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें श्याम सुंदर श्री कृष्ण से प्रीति प्राप्त होती है। उन भगवान के चरण कमलों की प्रीति से सारी सिद्धियां मिलती हैं और श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, स्वभाव की जीत होती है, अर्थात आपकी कृपा से मन सदैव श्याम सुंदर में रमा रहता है। ऐसा श्री हरिप्रिय वल्लभाचार्य जी श्री यमुना जी की स्तुति में वर्णन करते हैं। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य कृतम श्री यमुनाष्टकम संपूर्णम। कहिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। यमदित्या महापर्व की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्याम सुंदर की गोपियां तो अनंत हैं, उनका स्वरूप प्रेमास्पद का है, पर ठाकुर जी की बहन थोड़ी हैं। उनमें दो बहनों का विशेष उल्लेख है। सुभद्रा जी वो तो सगी बहन हैं, भगवान से छोटी हैं, और दूसरी द्रौपदी जी। और सुभद्रा जी द्रौपदी जी ही ठाकुर जी को भाई दूज का तिलक करती हैं, और ठाकुर जी को यह सुविधा है कि एक ही जीजा जी को दोनों बहनें ब्याही गई हैं, और रक्षाबंधन और दौज में एक अंतर है। रक्षाबंधन पर बहन भाई के घर जाती है, अभी भले स्वरूप कुछ बदल गया हो, पर जो नियम है शास्त्रीय, रक्षाबंधन को बहन को भाई के जाना चाहिए और भैया दूज को भैया को बहन के घर जाना चाहिए, और रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए और पूरे सावन ही रहना चाहिए, और भैया दूज को भाई बहन के जाता। पर
ठाकुर जी भैया दूज को प्रायः हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पधारते हैं द्वारिका लीला में, पर ब्रज लीला में सुभद्रा जी आई हैं गोकुल, क्योंकि ठाकुर जी कंस वध से पूर्व मथुरा नहीं गए, क्योंकि ये शपथ है कि जब मथुरा में चरण रखेंगे तो कंस का उद्धार करने के लिए ही रखेंगे। तो लगभग 11 वर्ष सुभद्रा जी पधारी हैं, एक वर्ष छोड़ दे पहला, क्योंकि प्रभु के एक वर्ष बाद जन्म हुआ है, तो 10 वर्ष तो पधारी हैं। जबकि देवकी वसुदेव जी कारागार में थे, पर फिर भी किसी न किसी माध्यम से वसुदेव जी व्यवस्था कर देते थे, और सुभद्रा जी भी बड़ी छोटी सी हैं, साली भर की थी। जबकि वसुदेव देवकी जी कारागार में, देवकी जी की सबसे छोटी संतान है, ठाकुर जी अष्टम गर्भ हैं, नौवीं संतान सुभद्रा जी हैं सबसे छोटी। तो कारागार में रहते हुए, चूँकि भगवान जब कंस का उद्धार किए उस समय तक तो कारागार में ही रहे वसुदेव देवकी जी, पर फिर भी दो उत्सव वसुदेव देवकी जी कारागार में भी निभाते रहे। कौन कौन? एक तो ठाकुर जी के जन्मदिन पर बधाई भेजना गोकुल में, भले कारागार में थे पर किसी भी प्रकार बधाई भेजना, और दूसरे भैया दूज को सुभद्रा जी को किसी भी यादव के हाथ कैसे भी करके भेजना। तो लगभग 10 वर्ष गोकुल में तिलक किया है, और ठाकुर जी के ताऊ हैं, उनकी बेटियां हैं, वो भी करती हैं, पर प्रथम तिलक सुभद्रा जी करती हैं दाऊ जी को पहले और फिर श्याम सुंदर को। तो 10 वर्ष ब्रज में तिलक हुए, और फिर ठाकुर जी मथुरा पधारे, तब तो फिर मथुरा में तो बहन साथ ही थी, वहां तिलक हुए। और फिर जब अर्जुन जी के साथ में विवाह हो गए सुभद्रा जी के, तब ठाकुर जी फिर शेष लीला तक, जब तक लीला रही, जाती रहे हस्तिनापुर, पांडव तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आ गए तो इंद्रप्रस्थ, द्वारिका जी से स्वयं आते रहे प्रभु अंतिम समरण लीला तक। और फिर बड़ी बहन हो गई द्रौपदी और छोटी बहन हो गई सुभद्रा, फिर सुभद्रा जी पीछे तिलक करती और द्रौपदी जी पहले तिलक। तो भैया दूज पर पद का गान करें, सुभद्रा जी ठाकुर जी को तिलक कर रही हैं। बहन सुभद्रा तिलक सवारती, सुभद्रा तिलक करने आई हैं। बहन सुभद्रा तिलक समारती, भाई
सब नंद लाल पे सर्व सवारती सुख पावती हरियार पान कर बलिहारी सुख पावती हरि अरपान कर अति सुख पावती सुभद्रा तिलक समारती बहन सुभद्रा तिलक सजावती अपने प्रभु की अपने प्रभु की
अपने प्रभु सर्व सवारति नंदलाल पे
को मुख मीठो करवावती अम्मी वाचना बतासा श्री फल हरिहर पन कर अति सुख पाव हरिहर पन कर अति सुख पावती अपने प्रभु की ले तबलैया 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 तन मन धन प्यारी
Bye.
व्याकुल धाई बहती रही सदारी कृष्ण निधन को बलिहार मिलन को व्याकुल धाई बहती रही सदा I'm
Oh,
मन पग धोए भई गंगा पावन का पग धोए गंगा पावन कारी एक बार वामन पग धोए भई गंगा पावन कारी। गंगा जी की महिमा क्या है? एक बार वामन पग धोए भई गंगा पावन कारी। श्री वामन भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धुलाया, उस चरणामृत से गंगा जी प्रकट हुई, तो इतनी महिमा है कि तीनों लोकों को पवित्र कर रही हैं। तो एक बार वामन पग धोए भई गंगा पावन कारी, एक बार का चरणामृत गंगा जी तो इतनी महिमा। तो यमुना जी क्या है? यमुना में जल केली करत नीत, यमुना में केली करत नीत, यमुना चरे नन सिर नावत गावत सुयश महारी। गौर जय जयकार हो, यमुना जी की जय जयकार हो। सिर नावत गावत सुयश गौरदास चरणन सिर नावत।
तसुयश महारी गौर दास। हे यमुना जी, हे कृष्ण प्रिया, हे प्रेम दायिनी, हे लीला अधिकारिणी, श्री यमुना श्याम सुंदर की प्यारी।
यमुना बोल बोल काली यमुना को छाया मार काला सोना छाया मार काला सोना को छाया मार काला सोना छाया मार काला प्रभु कहे ओ यमुना तट बलो बोल यमुना तट प्रभु कहे ओ यमुना तट बोलो बोल यमुना तट बलो ए बंसी धारी को छाए गेलो बंसी धारी को छाए गेलो बंसी धारी को छाए गेलो बंसी धारी को गौर कहे ओ गो काली यमुना ओ काली प्रभु कहे ओ गो काली यमुना ओ काली यमुना ओ छाया मार काला सोना छाया मार काला सोना ओ छाया मार काला सोना छाया मार काला सोना प्रभु कहे कर जोड़े विनती करी कर जोड़े विनती करी कर जोड़े विनती करी कर जोड़े विनती करी मिलाए दाओ बंसी धारी मिलाए दाओ बंसी धारी अति प्यारी मेरे गौर हरि को अति प्यारी प्रभु निताई को प्यारी यमुना प्रभु निताई को प्यारी यमुना गौर हरि को प्यारी यमुना गौर हरि को प्यारी बड़े बाबा जी को प्यारी बड़े बाबा जी को प्यारी मेरी सखी मैया को प्यारी मेरी सखी मैया को प्यारी श्री रामदास जी को प्यारी रामदास जी को प्यारी गौरांग दास जी को प्यारी गौरांग दास जी को प्यारी मेरे सतगुरु जी को प्यारी यमुना सतगुरु जी को सतगुरु जी को प्यारी यमुना सतगुरु जी को प्यारी यमुना श्याम सुंदर की प्यारी यमुना श्याम सुंदर की प्यारी यमुना राधा जू की प्यारी यमुना राधा जू की प्यारी यमुना महाप्रभु जी की प्यारी यमुना महाप्रभु जी को प्यारी श्री गुरु श्री
सुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्नयने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजनिताय गौर राधेशां जप हरे कृष्णा भजनिताय गौर राधेशां जप हरे कृष्णा भजनिताय गौर राधेशां जप हरे कृष्णा परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार श्रीमद राधा रमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री धाम वृंदावन में श्री गौर कृपाधाम आश्रम में जो 108 दिवसीय भक्तमाल जी की कथा आनंद पूर्वक संपन्न हुई उनका पूर्णाहुति महोत्सव हम आप लोग मना रहे हैं और उस 7 दिवसीय पूर्णाहुति महोत्सव का भी आज 6 दिवस है। भैया दूज यमद्वितीया का पावन पर्व है और श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी का पावन पुलिन है। सवेरे श्री ठाकुर जी की तिलक की सेवा भैया दूज की और साथ में यमुना जी के पद गान की सेवा गौर कृपाधाम आश्रम में संपन्न हुई और उसके पश्चात फिर यमुना जी का मनोरथ श्री यमुना तट पर संपन्न हो रहा है। हमारी प्यारी तीनों वैष्णव बहनें भी आज उस सब में सम्मिलित हुई हैं, मोहिनी दासी जी, माधवी दासी जी और मनोहरी दासी जी, आप भी उस सब में सम्मिलित हो रही हैं। श्री यमुना जी की अनंत महिमा है। श्री यमुना जी श्यामा श्याम के
प्रेम का स्वरूप है। जैसे श्री गंगा जी भगवान का चरणामृत हैं, वामन भगवान के चरणों को, चरण के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने प्रक्षालित किया तो गंगा जी उदय हुई, लेकिन यमुना जी तो साक्षात गोलोक बिहारी श्री राधा कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई हैं। श्यामा श्याम का प्रेम ब्रज में दो रूपों में विराजमान है, एक श्री गिरिराज जी के रूप में, दूसरे श्री यमुना जी के रूप में। गिरिराज जी साक्षात श्री युगल प्रेम का घनीभूत स्वरूप हैं और श्री यमुना जी युगल प्रेम का साक्षात द्रवीभूत स्वरूप हैं। साक्षात प्रिया प्रियतम ही जल के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसा यमुना जी का स्वरूप है। भगवान की तीन नित्य शक्ति हैं। भागवत जी में भी पहला शब्द सच्चिदानंद रूपाय है, माने सत चित और आनंद। तो सत शक्ति किसको कहते हैं? जो भगवान के स्वरूप में अवस्थित होती हैं, सत शक्ति। चित शक्ति के द्वारा प्रभु समस्त लीलाओं को प्रकट करते हैं, जो लीलाओं को घटाने वाली, लीला के लिए धरातल प्रस्तुत करने वाली योग माया है लीला शक्ति, वो भगवान की चित्त शक्ति है। और आनंद आह्लादनी शक्ति श्री राधा है। तो यमुना जी ठाकुर जी की चित्त शक्ति है। श्री ठाकुर जी और उनके धाम में कोई भेद नहीं है। जब नित्य गोलोक बिहारी श्याम सुंदर द्वापर युग में अपनी लीला को प्रकट करते हैं तो अपने सब परिकरों को भी प्रकट करते हैं। ये यमुना जी नित्य धाम में भी प्रवाहित होती हैं, गिरिराज जी नित्य धाम में भी हैं और गिरिराज जी प्रकट रूप में भी हैं। सारा परिकर अवतरित होता है। तो जब लीला में सब नित्य धाम से परिकर प्रकट हुए तब भगवान की साक्षात चित्त शक्ति की स्वरूपा, माने साक्षात श्री राधा कृष्ण का प्रेम, जो यमुना जी के रूप में गोलोक धाम में प्रवाहित होता है, तो गोलोक धाम वृंदावन के रूप में प्रकट होते हैं, तब उस समय यमुना जी का भी अवतार होता है। जैसे वृंदावन का अवतार होता है, गिरिराज जी का अवतार होता है, सब सखा और सखियों का अवतार होता है, ऐसे यमुना जी का भी अवतार हुआ। कहाँ हुआ? भगवान सूर्य के यहाँ पर। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी जी, तो भगवान सूर्य के यहाँ पर चैत्र शुक्ल षष्ठी को श्री यमुना जी का प्राकट्य हुआ। ब्रज में चैत्र शुक्ल षष्ठी को यमुना जी का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाता है। श्री यमुना जी प्रकट हुई, लेकिन है तो भगवान की वह स्वरूप शक्ति, प्रकट होते ही उनको एक ही कामना, श्री कृष्ण चरण कमल प्राप्ति की। तब यमुना जी के दो बहुत जोरदार भाई हैं, एक यमराज, दूसरे शनि देव। यमराज और यमुना जी का तो लगभग संग प्राकट्य हुआ है संज्ञा देवी से, लेकिन संज्ञा देवी सूर्य भगवान के ताप को नहीं सह पाती थी। तब संज्ञा देवी जी ने अपना शरीर परिवर्तन कर लिया और सूर्य भगवान के ताप से बचने के लिए बहुत दूर वो संज्ञा देवी जी की छाया के रूप में प्रकट हो गई, ताकि मुझको ताप न लगे सूर्य भगवान का। तो संज्ञा देवी जी से तो यमराज और श्री यमुना जी प्रकट भए और छाया देवी से शनि देव प्रकट हुए।
तो जब संज्ञा देवी जी ने अपने आप को लोप कर लिया तो जो छाया देवी थी सूर्य भगवान ढूंढते हुए पहुंचे और कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए अपने ताप को कम कर लेता हूं। छाया देवी से कहा, प्रभु बालक छोटे हैं, तुम उनका लालन पालन तो करो। तब छाया देवी आ गईं, लेकिन यमुना जी और यमराज यम देवता उनके प्रति उनका सौतेली माँ जैसा ही व्यवहार रहा, तब सुख नहीं मिला। तब यमराज जी ने तो अपनी अलग पुरी बसाई, संयमनी पुरी, जहाँ उनको भगवान के द्वारा जीवों को कर्मों का फल दंड देने का विभाग सौंपा गया। और श्री यमुना जी फिर अपनी माता जी के देहलोप के पश्चात अपने पिताजी की आज्ञा से श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तप करने आ गईं। और अपने पिताजी की आज्ञा से कहाँ तप किया, कलिंद पर्वत पर। उन्होंने अपने पिताजी से एक ही बात कही कि मुझको श्याम सुंदर की प्राप्ति करनी है और मुझे आप तप का उपदेश करिए। तब यमुना जी के पिता सूर्य भगवान ने ही उनको मंत्रोपदेश किया और यमुना महारानी कलिंद पर्वत पर आकर विराजमान भई। और कलिंद पर्वत पर उन्होंने, ये कथा तो सतयुग की है, विकट तप किया। और कितना तप किया उनको भगवान की लीला का, भगवान का कितना वियोग, कितना विरह हो गया कि श्री यमुना जी की देह, वे तो वैसे ही युगल सरकार का द्रविभूत स्वरूप है ही, यमुना जी की देह कृष्ण विरह में प्रवाहित होने लगी, द्रविभूत होने लगी और अंततः कलिंद पर्वत से जल स्त्रोत बन करके, सरिता बन करके यमुना जी फूट पड़ी। अभी भी यमुनोत्री जाइए तो जहाँ यमुना जी का मुख्य मंदिर है वहाँ एकदम तप्त कुंड है। अभी कुछ दिन पहले यात्रा गई थी तो सब भक्त लोगों ने साथ में दर्शन किया। जो उत्तराखंड के चार धाम हैं उनमें सबसे कठिन यात्रा यमुनोत्री की ही है। बद्रीनाथ जी कठिन नहीं है, अब तो केदारनाथ जी भी कठिन नहीं है, गंगोत्री बिल्कुल कठिन नहीं है, यमुनोत्री जी की यात्रा आज भी सबसे कठिन है। वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाता, पैदल जाइए या खच्चर पे जाइए, और सबसे कठिन यात्रा चार धाम में वहाँ की है। क्यों? क्योंकि जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त करना ही सबसे कठिन है। और श्री यमुना जी, श्री गंगा जी तो पतित पावनी हैं, जीव के पापों का नाश कर देती हैं, उसको निर्मल बनाती हैं, प्रभु के योग्य बनाती हैं, पर श्री यमुना जी तो गंगा जी के द्वारा पावन हुए जीव को जुगल सरकार का प्रेम प्रदान करती हैं, श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम प्रदान करती हैं, श्री निकुंज भवन में उस जीव को उसके भाव के अनुरूप सेवा प्रदान करती हैं। ग्रंथों में गंगा जी की अधिक महिमा गाई गई, अगर श्लोकों की संख्या करें यमुना जी की कम। उसका कारण क्या है कि यमुना जी की महिमा गाना सबकी सामर्थ्य से बात बाहर हो गई। चूंकि चित्त शुद्धि होना ही बहुत कठिन है, लेकिन यमुना जी की कृपा तो सबसे परे है। जिसको अब जगत में कुछ नहीं चाहिए, केवल जुगल सरकार का प्रेम चाहिए, ए धाम वृंदावन चाहिए, राधा रानी के चरणों की सेवा चाहिए, उनके जीवन में यमुना जी की कृपा फलीभूत होती है। यमुना जी की कृपा के पश्चात फिर और कोई कृपा पाना शेष नहीं रह जाता। और विचारिए, एक बार वामन चरण छुयो भई सो गंग, एक बार वामन भगवान के चरणों के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धुलाया तो गंगा जी पतित पावनी हो गई। तो एक बार वामन चरण छुयो भई सो गंग, पर यहाँ स्वयं श्री कृष्ण जी करत केली प्रिय संग। ठाकुर जी के चरणों का आगे वाला हिस्सा धोया गया तो गंगा जी जीतों को भी तार रही हैं, मर्तों को भी तार रही हैं, इतनी महिमा। लेकिन यमुना जी में तो श्याम सुंदर, राधा रानी सब सखियों के साथ प्रतिदिन जल क्रीड़ा करते हैं, पूरे ही नहाते हैं प्रभु, वो भी प्रिया जी के साथ में।
तो जब गंगा जी की चरण का अंगूठा धोने से इतनी महिमा है, तो जिन यमुना जी में भगवान संपूर्ण अंग और संपूर्ण परिकर के साथ विहार करते हैं, उन यमुना जी की क्या महिमा होगी। इसलिए यमुना जी की महिमा कहने में आती नहीं है, अनंत महिमा है। तो यमुना जी कलिंद पर्वत से प्रवाहित हुई और जहां तप किया है, आपने वहां दर्शन किया होगा, अपनी तो कुछ दिन पहले यात्रा गई। आश्चर्य है बंधुओं, चारों ओर तो बर्फ के पहाड़ हैं और जहां यमुना महारानी ने तप किया है वहां तप्त कुंड है। इतना तपता हुआ जल है कि भक्त लोग वस्त्र के अंदर चावल और आलू लेके जाते हैं, उस कुंड में आप डालिए, 10 मिनट में चावल आलू दोनों पक जाते हैं, वही सब प्रसाद लेकर के आते हैं। इतना यमुना जी को, एक तो सूर्य पुत्री है, दूसरे यमुना जी को इतना विरह श्याम सुंदर का हुआ है, हर समय वह कुंड धधकता रहता है। इतना गर्म जल, 90 डिग्री तक गर्म जल होता है, लेकिन फिर भी भक्त लोग स्नान कर ही लेते हैं जल लेकर के। तो यमुना जी ने तप किया, तो कलिंद पर्वत से जहां यमुना जी उतरी उस स्थान को यमुनोत्री कहते हैं, और फिर यमुनोत्री से चलते हुए कितने कितने क्षेत्रों को पावन करते हुए श्री यमुना जी मथुरा की ओर आई, सब स्थानों को पावन करते हुए। लेकिन उनका लक्ष्य पाप काटना सबके नहीं था। गंगा जी पाप काटती हैं, यमुना जी भी काटती हैं, लेकिन यमुना जी की कृपा विलक्षण है। गंगा जी पाप काटती हैं, गंगा जी में पाप कट गए, अब स्नान करके आए और फिर पाप करने लग गए तो फिर क्या लाभ हुआ गंगा जी की कृपा का। गंगा जी में जाके स्नान किए, तीर्थ किए, व्रत किए और फिर पाप में प्रवृत्ति हो गई तो लाभ नहीं हुआ। तो गंगा जी पाप काटती हैं लेकिन फिर जीव पाप में सन जाता है, पर श्री यमुना जी कृपा करती हैं तो जीव के पाप नहीं, जीव के पुण्य भी काट देती हैं। पुण्य काटने से क्या अर्थ है कि जो लालसा, जो इच्छाएं उसको संसार में बांधे रहती हैं, यमुना जी उन बंधनों को भी काट करके श्री राधा माधव के दिव्य धाम में ही पहुंचाती हैं, बीच में नहीं अटकाती कहीं पर, वो सीधा राधा माधव की सेवा में पहुंचाती हैं। तो श्री यमुना जी प्रवाहित होती रही, पर वो किसी के पाप काटने को प्रवाहित नहीं हो रही थी, वो तो अपने प्रियतम श्याम सुंदर को पाने के लिए प्रवाहित हो रही थी। बहती रही, बहती रही, बहती रही, कब मुझको मेरे प्यारे प्रभु मिलेंगे। इधर जब श्री यमुना जी बहते बहते मथुरा पहुंची, और मथुरा में भी विश्राम घाट की बड़ी महिमा, ठाकुर जी को वसुदेव जी लेकर चले नंद भवन पहुंचाने के लिए, तो वहां बैठ विश्राम किया, इसलिए विश्राम घाट। जब ठाकुर जी कंस का वध किए तब विश्राम घाट पर बैठ के विश्राम किए, स्नान किए, इसलिए विश्राम घाट। और जब हमारे महाप्रभु जी वृंदावन को प्रकट करने के लिए आए तो वृंदावन बाद में आए, पहले मथुरा जी आए, वहीं स्नान किए, वहीं बैठे, इसलिए विश्राम घाट। प्राय सब आचार्य यमुना जी पहले मथुरा आए हैं और स्नान करके वहां विराजे हैं विश्राम घाट। तो यमुना जी भी जब मथुरा पधारी विश्राम घाट पर आकर के, उनको लगा कि अब लगता है मुझे मेरे प्यारे प्रभु के चरण कमल मिलने वाले हैं, सेवा की प्राप्ति होने वाली है। तब विश्राम घाट, चूंकि वहां से उनको वृंदावन की हवा, वृंदावन की तरंगे आने लगी, वो बहुत प्रसन्न हो गई, और श्री विश्राम घाट पर आपने विश्राम किया। उसी समय श्री यमुना जी के भाई यमराज उनको ढूंढ ही रहे थे, क्योंकि वो तो यमुना जी के तब से पहले ही संयमनीपुरी बसाने चले गए और वहां उनको सबका कर्म का लेखा जोखा निर्णय करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो यमराज ढूंढते फिरते थे, मेरी बहन कहाँ गई, माँ से पूछा, माँ को नहीं पता, पिताजी से पूछा तो पिताजी ने ये तो कहा कि बेटी तप करने चली गई, पर बाकी कहाँ गई पता नहीं, मैंने तो कलिंद पर्वत भेजा था पर कलिंद पर्वत पर भी नहीं है। तब यमराज जी जल की धारा के साथ साथ
अपनी बहन यमुना जी को खोजने के लिए आए और चलते 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 आज के दिन माने भैया दूज के दिन विश्राम घाट पर पहुंचे और वहां उनको उनकी बहन मिल गई और अपनी बहन को गले लगाकर बहुत रोने लगे। तुम कहां चली आई, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था। तब यमुना जी ने भी अपने भाई को प्रणाम किया और कहा, भैया अब मुझको मेरे प्रभु मिलने वाले हैं, लौटने के लिए नहीं कहिएगा। यमराज कहते हैं, मैं तुमको लौटाने के लिए नहीं आया, पर तुम्हारी खबर ही नहीं थी। बोले, अब मुझको मेरे प्रभु मिलने वाले हैं और बस अब मथुरा पार करके श्रीधाम वृंदावन रास स्थली में ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। तब बड़ी प्रसन्न हुई, श्री यमुना जी की स्तुति यमराज जी ने भी की है। और फिर उस दिन यमद्वितीया थी, आज का दिन था भैया दूज, तब मेरे भाई पधारे हैं। तब यमुना जी ने वहीं विश्राम घाट पर यमराज को तिलक किया, कुमकुम का तिलक किया, अक्षत लगाए, अपने भाई को मिष्ठान प्रदान किया, आरती की। और श्री यमराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, बहन ने स्वागत किया। तब वर मांगने के लिए कहा यमुना जी को कि बहन, अब तो तुम लीला में प्रविष्ट हो रही हो, मुझे तो मेरे प्रभु ने कोई और ही काम बता दिया है, तो एक वर तुम मुझसे मांग लो और एक वर मैं तुमसे मांगूंगा। बोले, ठीक है। तब यमराज जी को यमुना जी ने कहा, पहले आप मांगिए। यमराज जी ने कहा, नहीं, तुम बहन हो, पहले तुम मांगो। तब यमुना जी ने यमराज जी से कहा कि भैया, अगर वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि मेरे किनारे पर जो भी बसें, मेरा किनारा माने श्री धाम वृंदावन, श्री मथुरा, श्री प्रयागराज, जहाँ जहाँ यमुना जी विराजमान, वृंदावन की तो अनंत महिमा है, जहाँ जहाँ मेरे तट पर बसें, जहाँ जहाँ मुझ में स्नान करें, उनको तुम वचन दो कि अपनी यातना नहीं दोगे, यम की यातना नहीं दोगे, नरक की यातना नहीं दोगे। बोले, बहन मैं तुमको वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे तट पर वास करेगा, श्रीधाम में वास करेगा, यमुना जी का पूजन करेगा, तुम्हारा मनोरथ करेगा, उसको कभी कोई नरक की यम की, मैं तो उसको दंडवत प्रणाम करूँगा, यातना तो देना बहुत बुरी बात, उसको प्रणाम करूँगा, और जो तुमको पालेगा उसको कभी मेरा यमराज मुख तो नहीं देखना पड़ेगा, धर्मराज वाला मुख भले देख ले, यम वाला मुख नहीं देखना पड़ेगा उसको, वो तो श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करेगा, राधा गोविंद को प्राप्त करेगा। मैं तुमको वचन देता हूँ और आज के दिन जो यमुना जी पूजन करेंगे, माने यमद्वितीया भैया दूज को यमुना जी पूजन करेंगे, मनोरथ करेंगे, स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, तर्पण करेंगे, उनके अनंत जन्मों के पाप ताप दूर होंगे और उनको श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। बहुत बहुत वचन दिए। तब पहले तो यमुना जी को वर दे दिए, यमुना जी को वचन दे दिए, अब यमुना जी की बारी थी, अब भैया आप मांगिए। तब यमराज ने कहा, बहन तुम्हारी जैसी प्यारी बहन से मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। तो क्या मांगोगे? देखो, मुझको तो ठाकुर जी ने क्या काम दे दिया है कि सबके हिसाब किताब बराबर करते रहो, लोगों को नरकों में जलाते रहो, इस नरक में उस नरक में, तो फिर तो तुम मुझे ये वर दो कि मुझको भी ठाकुर जी के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। अब तुम्हारा भाई होकर के पीछे रह जाऊं, ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं तो पाप के ही बंटवारे में रह जाऊंगा। तब यमुना जी ने अपने भाई को वर दिया, भैया आपका जो यमराज रूप है ये केवल दुष्टों के लिए होगा, पापियों के लिए होगा, वैष्णवों के लिए आपका यमराज रूप नहीं होगा, धर्मराज वाला रूप होगा। इसलिए दो नाम हैं, उन व्यक्ति एक ही है, नाम दो हैं, धर्मराज भी नाम है, यमराज भी नाम है। यमराज पापियों के लिए, धर्मराज वैष्णवों के लिए है। और आपको आश्चर्य होगा, भक्तमाल जी में आप सुन चुके हैं कि जो 12 भगवान के प्राचीन भक्त हैं, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्मस्वरूप, तो इनमें एक धर्मराज भी है। जो 12 भगवान के प्राचीन भक्त हैं उनमें धर्मराज है। तो यमुना जी ने कहा,
कि आपके दो रूप होंगे, यमराज और धर्मराज। जो भगवान सेवा प्रदान किए उसमें तो नहीं बोलूंगी, आप पापियों को दंड देते रहना, पर वैष्णवों के लिए आपका धर्मराज वाला स्वरूप होगा। और श्री कृष्ण के जो प्रधान 12 भक्त हैं, विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनुभूप, नरहरिदास, जनक, भीष्म, बलि, शुकमुनि, धर्म स्वरूप, इन 12 भक्तों में आप श्रेष्ठ रूप में विराजमान होंगे। और आप यमपुरी में रहते हुए भी खूब भगवत भजन करेंगे। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोगों को घर में अनुकूलता नहीं है, अरे झंझट बहुत है, अरे वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, इसलिए हम भजन नहीं कर पा रहे। हमको सब सहयोग करते तो हम बहुत माला करते। अगर ऐसा मन में विचार हो तो यमराज जी का जीवन विचार लें। वो तो बेचारे नरक का ही कंट्रोल देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, ये पापी उसको वहाँ डालो, उसको वहाँ जलाओ, उसको ये करो वो करो। और सोचिए उस अवस्था में हर समय नाम जप करते, हर समय भजन करते हैं, इतना बड़ा काम संभालते हुए न तो उनके काम में कभी कोई भूल होती है और ना उनका कहीं मोह होता है, ना कहीं उनको दुख होता है। वो निरंतर राधा गोविंद के चरणों के प्रेम में डूबे रहते हैं। ये सामर्थ्य श्री यमुना जी ने प्रदान की। तब यमुना जी से प्रार्थना की कि मुझको प्रत्यक्ष में भी भगवान का लीला सौभाग्य प्राप्त हो, दर्शन सेवा प्राप्त हो, जैसे तुमको प्राप्त होगी। तब यमुना जी ने कहा ठीक है भैया, आपको भी प्राप्त होगी, एक रूप में नहीं, दो दो रूपों में, भगवान की लीला में दो दो रूपों में। किस रूप में? युधिष्ठिर जी के रूप में कौन है? धर्मराज। विदुर जी के रूप में कौन है? धर्मराज। तो विदुर जी के रूप में भी कृष्ण भक्ति किए यमराज, और विदुर जी के रूप में भी, युधिष्ठिर जी के रूप में भी भक्ति किए हैं श्री धर्मराज जी। तो यमुना जी ने वर दिया ये सब लीला आज यम द्वितीया की ही है, भैया दूज की लीला है। और तब तो प्रणाम करके श्री यमराज जी अपनी पुरी के लिए चले गए। और फिर श्री यमुना जी ने श्री मथुरा से श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया। यहाँ आकर के यमुना जी का संपूर्ण प्रकाश हुआ, और बाकी तो आगे कहने की जरूरत नहीं, जितनी लीला यमुना तट पर हुई कहीं नहीं। ठाकुर जी की सारी लीला यमुना तट, ठाकुर जी का सबसे पहला चरण स्पर्श किसने किया? प्रकट भये सब में पहले चरण स्पर्श किसने किया? यमुना जी ने। श्री वसुदेव जी डलिया लेके जा रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट हुए, यमुना जी के बीच में से जा रहे हैं, और जो दर्शन किया विभोर हो गई। अब वो तो भूल गई कौन वसुदेव जी कौन, अब वो तो चढ़ने लगी, और वसुदेव जी के पैर डगमगाए, ठाकुर जी ऊपर डला में धरे हैं छाल सूप में, पैर कांप रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा अरे यमुना महारानी तो लगता है मेरे पिताजी को डुबा देंगी। तब यमुना जी को कहा आपको कोई शर्म लिहाज रही कि नहीं रही? ये आपके ससुर हैं जिनकी आप छाती पे चढ़ी आ रही हो, और मेरे पिताजी की दाढ़ी भिगो दी, मेरे पिताजी गिर जाएंगे। यमुना जी कहें भाड़ में गई लाज, चरस्ते इतना समय बीत गया, अपने प्रभु के चरण छूंगी, अब दुनिया जो कहे सो कहे। यमुना जी ने कहा ठाकुर जी कहा तुम चरण छोगे मेरे तो पिताजी डूब जाएंगे। बोले अब नहीं देखूंगी। अब जैसे कोई एक महीने का व्रत किया हो, भूखा हो तो सह ले, लेकिन उसके सामने कोई 56 भोग की थाली रख दे ला करके और फिर कहे हम मत छूना, तब तो बहुत कष्ट की बात हो जाएगी। तो अब ठाकुर जी को देख के संयम नहीं हुआ। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं अपने चरण नीचे कर रहा। तब प्रथम चरण स्पर्श कृष्ण अवतार का किन्होंने किया? यमुना जी। मैया बाबा थोड़ोगी है, देव की वसुदेव जी थोड़ो चरण छुएंगे। प्रथम चरण स्पर्श यमुना जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और तब ठाकुर जी के चरणों में कमल अर्पण किए, और फिर वसुदेव जी को सबको प्रणाम किया, और फिर ठाकुर जी पधारे गोकुल जी में। तब गोकुल जी में विराजमान होकर के सारी बाल लीला ठाकुर जी ने माटी कहाँ पे खाई? यमुना पुलिन ब्रह्मांड घाट पर खाई है। ठाकुर जी का छठी पूजन कहाँ हुआ है? यमुना जी के तट पर हुआ है। और ठाकुर जी की सारी लीला, ग्वाल बालों के संग कहाँ खेलते हैं, गैया कहाँ चराते हैं, कालिया नाग कहाँ नाचते हैं, सब यमुना जी की गोद में, सबरी लीला यमुना जी के भीतर हुई है। और सबसे मधुर जो बात है, जो लीला कहीं नहीं हुई, श्री रास विहार, नौका विहार और जल विहार, ये तीन विहार यमुना जी के धन है। रास विहार, नौका विहार और जल विहार, ये तीनों लीला यमुना जी का ही धन है।
यमुना जी की कृपा के बिना तीन लीला का अनुभव नहीं हो, रास विहार, नौका विहार, जल विहार। श्री यमुना जी श्री गोलोक धाम में तो श्यामा श्याम के हृदय का प्रेम है ही, प्रकट में भी श्री श्यामा श्याम का चरणामृत नहीं, अंग अंग का अमृत अगर किन्हीं में घुला है वो यमुना महारानी। तीनों विहार संपन्न भए और फिर जितनी लीला हुई ब्रज में, उसके बाद सबसे विलक्षण बात, सारे परिकरों में जितने गोलोक से आए हैं कोई ऐसा नहीं है जो तीनों लीलाओं में है। रोहिणी जी तो मात्र भाव से हैं, पर मधुर भाव का ऐसा कोई परिकर नहीं है। एक यमुना जी ऐसी हैं, ब्रज लीला में पूरे 11 वर्ष लीला में विराजमान। ठाकुर जी मथुरा पधारे, 20 वर्ष मथुरा लीला, तो मथुरा में प्रतिदिन ठाकुर जी विश्राम घाट पधारते हैं मथुरा लीला में भी, और वहाँ यमुना जी का दर्शन। और जब ठाकुर जी विश्राम घाट पर विराजते हैं तो यमुना जी स्वतः अपने सारे कमल लेके ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाती हैं। अगर प्रभु किसी दिन स्नान भी नहीं कर रहे तो स्वयं जल आगे बढ़कर के ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन यमुना महारानी करती हैं और सारे कमल ठाकुर जी के चरण कमलों में आप छोड़ती हैं। तो मथुरा लीला में विराजमान और फिर तीसरे द्वारिका लीला में विराजमान, द्वारिका लीला में पटरानी जी के रूप में। हम लोग श्रवण करते हैं ना भगवान के जो 16108 विवाह हैं, उनमें चौथा विवाह यमुना महारानी जी के साथ, चतुर्थ प्रिया श्री यमुना महारानी है। तो ब्रज लीला में भी, मथुरा लीला में भी और श्री द्वारिका लीला जी, तीनों लीलाओं में विराजमान है। तो कलिंद पर्वत से प्रकट भई तो कालिंदी श्री यमुना जी की पुत्री हैं, तो रवि तनया यमराज की बहन है, तो यमुना अथवा यमी नाम भी है, यमी भी नाम है, यमुना जी अथवा यमी। और श्री धाम वृंदावन में आप प्रवाहित होती हैं, सब लीला विहार होता है, प्रिया जी की चरण रज प्राप्त होती है, तो यमुना जी का एक नाम श्री जी है। राधा रानी भी श्री जी हैं और यमुना जी भी श्री जी हैं, श्याम सुंदर के हृदय का धन है। और पटरानी तो हैं द्वारिका लीला में, महारानी श्री मथुरा में हैं और वृंदावन में रसदानी हैं। वृंदावन में यमुना जी रसदानी है, जुगल सरकार का प्रेम प्रदान करने वाली है। मथुरा में महारानी है और द्वारिका जी में पटरानी है। तो ऐसा दिव्य स्वरूप श्री यमुना जी का विराजमान है। तो तीनों लीलाओं में यमुना जी नित्य रूप में विराजमान, महिमा तो कहाँ तक कही जाए। आज तो यमुना जी ने बड़ी कृपा करके सवेरे से सेवा ले रखी है और सप्त दिवसीय पूर्णाहुति महोत्सव चल रहा था जिसमें आज छठा दिन था, और ठाकुर जी भक्तमाल जी की कथा भी इतने सुंदर स्थान पर विश्राम किए, रमा एकादशी से पहले दिन माने दशमी को, पर अगले दिन से ही उत्सव और उस उत्सव में सारी दिव्य तिथियाँ। तो रमा एकादशी को ठाकुर जी के तुलसी जी से सहस्त्रार्चन हुए, सब संतों के आशीर्वचन हुए, अगले दिन धनतेरस में धनतेरस पूजा हुई, श्री सूक्त के पाठ हुए, फिर छोटी दीपावली से सहस्त्रनाम पाठ हुए, छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी का पूजन हुआ, फिर बड़ी दीपावली को ठाकुर जी के जागरण हुए, गोपाल सहस्त्रनाम से यज्ञ हुए, फिर प्रतिपदा में श्री गोवर्धन पूजा हुई, 56 भोग हुए, और आज द्वितीया को बलिहार श्री यमुना जी का मनोरथ हो रहा है। बड़ी हृदय को शीतलता प्राप्त हो रही है, बहुत शीतलता प्राप्त हो रही है। यमुना जी का दिव्य मनोरथ हुआ तो पदगान गौर कृपा धाम में संपन्न हुआ, और यहाँ संक्षिप्त रूप में कथा तो बहुत, संक्षिप्त रूप में यमुना जी को स्मरण किए। आज यमुना जी का दिन है, सारे दिन भगवान के परिकरों में बटे हैं, आज यमुना जी के मनोरथ का दिन है। यमुना जी कृष्ण प्रेमदायिनी है, जुगल सरकार का प्रेमदायिनी है। बार बार हम लोग श्रवण करें, गंगा जी तो पतित को पावन कर दें, योग्य बना दें, और उस योग्य चित्त को, उस साप चुनरी को यमुना महारानी कृष्ण प्रेम में भिगो देती। जुगल सरकार की लीला में प्रवेश करवा देती हैं। ऐसा दिव्य यमुना जी का पावन स्वरूप है।
स्मरण किया और अब कल फिर पूर्णाहुति महोत्सव में आश्रम में ही भक्तमाल जी की अर्चना, भक्तमाल जी के पाठ के साथ में, और ये सप्त दिवसीय पूर्णाहुति महोत्सव विश्राम होगा और अगले दिन से फिर नवीन कथा सत्संग का क्रम प्रारंभ होगा। 24 नवंबर से श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ होंगी, उनका सुख हम सब लोग प्राप्त करेंगे। तो दिव्य रूप में यमुना जी का मनोरथ हो रहा है, हम सब बड़भागी हैं जो हमसे सेवा ग्रहण कर रही हैं। ये किसी यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अनेक बार बहुत अधिक कृपा प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति से संभलती नहीं है, पर वास्तव में ये है कि ये न हमारा कोई प्रयास न योग्यता, ये केवल केवल श्यामा श्याम यमुना महारानी सरज रानी की कृपा है। ऐसा दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यमुना जी को प्रणाम करते हुए, छप्पन भोग का दर्शन भया, यमुना जी के चुनरी मनोरथ हुए, YouTube प्रसारण के माध्यम से भी आप सब सुख प्राप्त कर रहे हैं, और YouTube पे तो जो मनोरथ उत्सव चला गया वो सदा के लिए अमर हो गया, जिसकी जब इच्छा हो खोल कर देखे, श्रवण करे, सुने, तो बहुत सुख। तो आज यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं, प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव की, यम द्वितीया की, भैया दूज महोत्सव की, सदगुरु देव की, श्री गुरु प्रेमानंदे, श्री गुरु प्रेमानंदे, श्री गुरु प्रेमानंदे। जय जय महारानी यमुना, जय जय पटरानी यमुना, 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 जय जय कल्याणी यमुना, जय जय रसदानी यमुना, जय जय कल्याणी यमुना, यमुना महारानी की जय हो, रसरानी यमुना, आ जय जय कल्याणी यमुना, जय जय रसदानी यमुना, प्यारी यमुना, आ जय
और यमुना की जय जय हो। सनी और यमुना की जय जय हो। दो भैया बहन की जय जय हो। दो भैया बहन की जय जय हो। यम और यमुना की जय जय हो। यम और यमुना की जय जय हो। यमुना 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 Oh,
प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं
तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।